समझाना ये चाहता हूं कि सेंटेंस में अगर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसका हिंदी अनुवाद होगा समय आ गया है। और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के जस्ट बाद में सब्जेक्ट दिया गया है तो उस सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी। जिसका मतलब ये हुआ कि या तो सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है तो उसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये तो टेंस से रिलेटेड बात हुई। दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी सेंटेंस इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से शुरू होता है और उसके बाद में सब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब आती है। अगर ऐसा होता है तो वहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, वो सेंटेंस दूसरे प्रकार का है। जैसे मैंने आपको कहा इट इज टाइम टू शट द शॉप, दुकान को बंद कर देगा समय हो गया है। देखना इट इज टाइम टू शट द शॉप, यहां पर इट इज टाइम के ठीक बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ, डायरेक्ट वर्ब आई है। अगर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के ठीक बाद में सब्जेक्ट नहीं आ रहा है और उसके ठीक बाद में अगर वर्ब आ रही है तो आपको उसके पहले टू लगा करके उसका इन्फिनिटिव बनाना चाहिए। इट इज टाइम टू स्टार्ट द गेम, समय आ गया है कि हम खेल शुरू करें। इट इज टाइम टू स्टार्ट द गेम, और मैंने कहा इट इज टाइम दी, तब आएगा स्टार्टेड द गेम। मतलब ये हुआ कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके ठीक बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी, लेकिन इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद में सब्जेक्ट नहीं आ रहा।